हेलो, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू द मिरेकल हब। अगर आपको भी पफीनेस की प्रॉब्लम है अपने आईज़ में, या फिर आपकी आंखों के नीचे फाइन लाइंस एंड रिंकल्स होने लग गए हैं, या स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, डार्क सर्कल्स की आपको प्रॉब्लम है, बहुत सारी रेमेडीज़ आप ट्राई कर चुके हैं, तो एक ट्राई इस रेमेडी को ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और इसके लिए हमें बहुत सिंपल इन्ग्रीडियंट्स रिक्वायर्ड हैं, ईजिली आपके घर पर अवेलेबल रहेंगे। सो इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं। इसमें हमने लिया हुआ है कर्ड, यानी कि दही 2 बड़े चम्मच के आसपास। सो ये नेचुरली मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। इसमें लैक्टिक एसिड भी होता है जो कि हेल्प करने वाला है आपके डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने में, एंड आपकी आंखों में अगर पफीनेस की प्रॉब्लम है, पफ़ी आइज़ अगर आपकी हैं, तो उसको भी ये ठीक करने में हेल्प करेगा। देन हमने इसमें लिया हुआ है हल्दी, टर्मरिक। टर्मरिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में एंड रिंकल्स फाइन लाइंस को रिड्यूस करने में। उसके बाद हमने इसमें लिया हुआ है हनी। सो हनी जो है वो डिसकलरेशन पे काम करता है। अगर हमारी आईज़ के आसपास का जो एरिया है वो अनइवन स्किन टोन है हमारी, वहाँ पे, तो उस पे ये काम करने वाला है हनी, और साथ ही साथ मॉइस्चराइज करेगा आपके आई के आसपास के एरिया को, जिसकी वजह से वहाँ पे ड्राइनेस नहीं होगी, इचिंग नहीं होने वाली है। देन हमने लिया हुआ है यहाँ पे लेमन। लेमन हमने आधे नींबू का यहाँ पे रस लिया हुआ है, जूस लिया हुआ है। ब्लीचिंग एजेंट की तरह ये काम करने वाला है, लाइटन करेगा, ब्राइटन करेगा आपके अंडर आई एरिया को, और आपके स्किन को टाइट करने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये पोर टाइटनिंग में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब हमें क्या करना है, किस तरीके से इसे बनाना है, प्रोपोर्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हनी हमने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे लिया हुआ है। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे हनी। दो चम्मच हमने बड़ा दही लिया हुआ है। आधे नींबू का ये रस है और आधा चम्मच हमारी हल्दी। सो कुछ इस तरीके का आपका एक पैक बन जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में स्टोर करते हैं, तो आप इसको 3 से 4 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। डेली आपको इसको यूज़ करना है। एक बार बना के आप 4 दिन तक इसको यूज़ कर पाएंगे। अगर आप 1 हफ्ते तक लगातार इसको यूज़ करते हैं, तो 1 हफ्ते में ही आपको इफ़ेक्ट इसका, जो इसके फ़ायदा है वो आपको इसका दिखने लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आप अपना पैक लेंगे और इस तरीके से आप अप्लाई कर लेंगे। इस थोड़ा सा हल्का सा जब ये ड्राई हो जाएगा, तो इस बिल्कुल हल्के हाथों से, इस फिंगर से आपने करना है, जो हमारी रिंग फिंगर होती है ना, उससे हमें इसको इस तरीके से करना है, क्योंकि इस फिंगर का प्रेशर सबसे कम होता है, तो हमारी आईज के जो सराउंडिंग स्किन है, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। इस तरीके से मसाज करेंगे आप इसको, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आप मसाज करेंगे अच्छे से, ऐसे। जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए, तब आपने ऐसा करना है, बिल्कुल हल्का ड्राई। बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो फिर आप अपनी स्किन को खींच देंगे, जोर दे देंगे आप, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बिकॉज़ अंडर आई जो हमारा एरिया होता है, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है। इस तरीके से इसको मसाज करेंगे फॉर गुड 1 मिनट, एंड इसके बाद ठंडे पानी से, जो मतलब नॉर्मल नलके का हमारा टैप वाटर होता है, उससे वॉश कर लेंगे। सो इस मास्क को एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा, और बेनिफिट्स मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, उनमें उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो और आगे भी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द मिरेकल हब को। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।